आज की तारीख में 1.5 रुपए में भला क्या मिलता है। भारत में आपको शैंपू का एक शैशे तक नहीं मिलेगा, ये छोड़िए बिस्किट का एक छोटा पैकेट भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक देश ऐसा है जहां 1.5 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। चौंक गए ना? जी हाँ, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपए है। भारतीय नजरिए से देखें तो पेट्रोल का यह रेट हमारी छाती पर सांप लूटने जैसा है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। इतिहास में पहली बार पेट्रोल की कीमतों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो गई हैं। महंगे पेट्रोल से जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन आपको हम उन 10 देशों के बारे में बता रहे हैं जहां पर पेट्रोल की कीमतें काफी सस्ती है। नाइजीरिया में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 31 रुपए 61 पैसे, तुर्कमेनिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 31 रुपए 13 पैसे, कतर में पेट्रोल की कीमत 29 रुपए 95 पैसे, कजाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 29 रुपए 70 पैसे है। वहीं सूडान में प्रति लीटर पेट्रोल का दाम 27 रुपए 52 पैसे, कुवैत में 25 रुपए 25 पैसे, अल्जीरिया में 25 रुपए 15 पैसे, वहीं अंगोला में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 17 रुपए 82 पैसे, ईरान में 4 रुपए 49 पैसे और वेनेजुएला में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। अब हम बात करते हैं कि भारत में आखिर इतना महंगा पेट्रोल क्यों बिकता है। दरअसल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमारे देश में पेट्रोल इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इस पर लगने वाला टैक्स काफी ज्यादा है। आज की स्थिति की बात करें तो फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 62% का टैक्स लगता है। अगर प्रति लीटर पेट्रोल के प्राइस ब्रेकअप की बात करें तो बेस प्राइस 28 रुपए 13 पैसे है, किराया इत्यादि का खर्च 37 पैसे है। इसके बाद इस पर डीलर्स को 32 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी देने होते हैं और इसके अलावा 19 रुपए 55 पैसे का वैट देना होता है। डीलर का औसतन कमीशन भी होता है जो 3 रुपए 67 पैसे है। इन सबको जोड़कर पेट्रोल का भाव 16 जनवरी 2021 को 84 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हुआ और इस प्रकार कुल मिलाकर प्रति लीटर पर 52 रुपए 53 पैसे का टैक्स देना पड़ता है। तेल के भाव एक राज्य से दूसरे राज्य में हालांकि वैरी कर जाते हैं क्योंकि इस पर स्थानीय बिक्री कर या वैट लगता है। इसके अलावा इस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है जो सेंट्रल लेवी है और इस तरह से भारत में पेट्रोल की कीमतें काफी ज्यादा हैं। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।